नेपाल में हुई भारी बारिश से बर्बादी, अब बिहार में प्रभावित हुई लाखों की आबादी। तस्वीर नंबर एक, बिहार का मुजफ्फरपुर जिला। बागमती नदी का कहर ऐसा कि कटरा, गायघाट, औराई के दर्जनों गांव पानी में डूब गए। पावर सब स्टेशन में पानी भरने से ट्रांसफार्मर डूबे हुए हैं और बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई है। सड़कों का हाल आपके सामने है। रोड पर नदी बह रही है, लोग पैदल ही बाइक खींचकर पानी से निकाल रहे हैं। आने जाने के लिए पैदल के अलावा ट्रैक्टर का सहारा बचा है। घरों में 3 फीट से ज्यादा पानी भर चुका है। खाने पीने, रहने सोने का ठिकाना अब नहीं रहा। दिन तो कट गया, रात कैसे गुजरेगी इसकी चिंता। तस्वीर नंबर दो, ये तस्वीर दरभंगा से आई है। रात को जिले के भुभौल में कोसी नदी पर बना तटबंध टूट गया। सुबह सुबह पानी की धार कुछ इस अंदाज में नदी की धारा को छोड़कर इंसानी बस्तियों में घुस गई। लगभग 200 फीट में तटबंध टूटा है, जिसका दायरा बढ़ता जा रहा है। हाल यह है कि इस पानी की वजह से जिले के 3 ब्लॉक प्रभावित हो रहे हैं और करीब 4 लाख की आबादी पर असर है। तस्वीर नंबर तीन, अब इस तस्वीर को देखिए जो न सिर्फ हैरान करती है बल्कि बिहार के सिस्टम को बेनकाब भी करती है। बाढ़ में गांव के गांव डूबे हैं। एक हाथ में चप्पल है, एक हाथ में परीक्षा की कॉपी। पानी को पार करते शिक्षक मूल्यांकन के लिए कॉपी लेकर जा रहे हैं। कायदा कहता है कि आपदा में स्कूलों में छुट्टी होनी चाहिए, लेकिन बिहार सरकार शिक्षकों को हाथ में चप्पल लेकर चलने को मजबूर कर रही है। ये लोग तिलकेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं जो पानी में स्कूल जा रहे हैं। हम तिलकेश्वर जा रहे हैं मूल्यांकन कार्य के लिए। बीआरसी से प्रगति पत्रक रिसीव किए हैं। भर कमर से ज्यादा पानी होने का अनुमान है। विद्यालय पहुँच पाएंगे कि जान से जाएंगे कहना मुश्किल है। स्कूल को जाना जरूरी है क्योंकि बिहार सरकार इस बार में छुट्टी नहीं दी हुई है। सरकार तरफ से कोई नाव का जो है कोई व्यवस्था नहीं है। अनो सरकार हम लोगों को छुट्टी दे रही है। तस्वीर नंबर चार, शिवहर जिले के तरियानी ब्लॉक के दर्जनों गांव का यही हाल है। गांव के गांव डूबे हैं। सड़कों पर पानी बह रहा है और लोग पैदल छोड़कर निकलने को मजबूर। तरियानी छपरा में बागमती तटबंध टूटने से इस इलाके में पानी भरा है। तस्वीर नंबर पांच, सुपौल से यह तस्वीर आई है। कोसी का कहर ऐसा कि लोगों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया। सामान इस तरह से लेकर लोग गांव से निकल रहे हैं क्योंकि पानी कब उतरेगा पता नहीं। कोई सिलेंडर लेकर तो कोई चूल्हा लेकर, घर का सामान लेकर लोग ऊंची जगहों पर जा रहे हैं। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर शशांक भी सुपौल में हैं और कमर से ज्यादा तक भरे पानी में उतरकर वो देश को बिहार की इस बड़ी आपदा की तस्वीर दिखा रहे हैं। इस वक्त हम सुपौल के निचले इलाके में हैं। पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में है। बिहार के 13 जिले जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित हैं। यहाँ स्थिति भयावह है। यहाँ पर सब कुछ डूब गया है। लोग ऊंचे स्थानों पर जो है वो पलायन कर गए हैं। जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रहा है। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और जो सीमांचल के इलाके हैं, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, सब बाढ़ से जो है वो इलाके जो हैं प्रभावित हैं। लाखों की आबादी जो है परेशानी में है। बिहार सरकार ने पटना में कंट्रोल रूम बनाया है जहां से प्रदेश के बाढ़ की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। हाल यह है कि नेपाल से सटा पूरा बिहार इस वक्त बाढ़ का कहर झेल रहा है। गंडक, बागमती, कोसी नदी से पानी बिहार में घुसा है जो तबाही मचा रहा है। चंपारण रीजन में गंडक नदी उफान पर है, जिसकी वजह से गोपालगंज, छपरा और दोनों चंपारण के सैकड़ों गांव प्रभावित हैं।
बागमती का कहर सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और मधुबनी के गाँव में है, जहाँ जगह जगह आधा दर्जन तटबंध या तो टूटे हैं या उनमें रिसाव हो रहा है। दरभंगा, सुपौल, सहरसा और सीमांचल में कोसी नदी कहर बनकर टूट रही है। नेपाल से आ रही इन्हीं नदियों के पानी ने गोपालगंज से लेकर किशनगंज तक के इलाके को बिहार में डुबा दिया है। अभी बाढ़ की स्थिति और विकराल होने वाली है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।